आपको दिखाना चाहेंगे। यही जोधपुर जेल है, यहाँ संत आसाराम जी बापू करीबन 9 सालों से बंद है। आप देखो भक्तों की श्रद्धा आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखो देखो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जोधपुर जेल को। आपने तो हमने देखा दंडवत किया, मतलब रोड पे खड़े रहकर जेल के बाहर। हाँ बापू, हमारे सद्गुरु भगवान है हमारे, हाँ आज भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बापू जी रहते हैं, यहाँ पर हमारे भगवान जी रहते हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। आज सारी दुनिया जान रही है कि बापू 9 साल हो गए यहाँ पर जोधपुर जेल में है, एक दिन के लिए भी पेरोल तक नहीं दिया गया है। आखिर क्यों? बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, बड़े बड़े रोज रेप केस होते हैं, जहाँ उनको मार दिया जाता है तो वहाँ पर पेरोल मिल जाती है, तो वहाँ पर जमानत मिल जाती है। लेकिन बापू का केस एक ऐसा केस है जिसे जमानत एक दिन की पेरोल तक नहीं दी जा रही है। न्यायपालिका से यही कहेंगे कि निर्दोष हैं और सारे केस को अच्छे से देखे, फिर से देखे, जहाँ गलतियाँ हुई उन्हें सुधारें और फैसला दें। हम राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। आपको दिखाना चाहेंगे, यही जोधपुर जेल है, यहाँ संत आसाराम जी बापू करीबन 9 सालों से बंद है। आप देखो भक्तों की श्रद्धा आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जोधपुर जेल को, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यही जोधपुर जेल है, यहाँ संत आसाराम जी बापू करीबन पिछले 9 सालों से बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई और भक्तों की श्रद्धा आप देख रहे हो, रति भर भी कमी आई नहीं दिख रही है। आज कुछ भक्त है उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? छत्तीसगढ़ से आया। छत्तीसगढ़ से क्यों यहाँ आए हो? बस बापू के दर्शन के लिए आया था। दर्शन नहीं होते अभी? दर्शन नहीं होते, बस बाहर से प्रणाम कर लेते हैं, बस यही चले जाते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? ये सब निराधार है। और भी भक्त है, बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश सिवनी से, सिवनी जिला से आए हुए हैं। हम बापू के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि दर्शन के लिए आए, कि किसी भी हालत में बापू के कम से कम दर्शन हो जाएं। बापू जिस जगह पे हैं तो वहाँ पे हम पहुँच जाएं तो समझेंगे कि हमारे भाग्य हैं। आज 9 साल से बापू यहाँ पे हैं तो आज सब साधक विचलित हैं, अभी तक बापू के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपने तो हमने देखा दंडवत किया, मतलब रोड पे खड़े रहकर जेल के बाहर, मतलब। हाँ बापू हमारे सद्गुरु भगवान है हमारे, मतलब हाँ आज भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। आप कहाँ से आए? मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ, यहाँ से 1100 किलोमीटर लगभग दूर। 1100 किलोमीटर? हाँ, बापू जी के दर्शन करने के लिए। पूरा दंडवत किया रोड पे, कोई मंदिरों में करता, आपने जेल के बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमारे बापू जी रहते हैं, यहाँ पर हमारे भगवान जी रहते हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं है आप लोग? कोई श्रद्धा में कमी नहीं है, कोई श्रद्धा में कमी नहीं है, क्योंकि बापू जी हमारे लिए भगवान है। बापू जी हमारे निर्दोष थे, बापू जी रहेंगे, आगे भी रहेंगे हमारे बापू जी। नहीं, कारण यही है कि लोग नहीं चाहते हैं कि आज जो विदेशी शक्तियाँ हों, जो भी लोग हैं बड़े बड़े लोग, वो नहीं चाहते कि हमारे धर्म का परचम लहराए। वो बापू वो काम कर रहे थे, इसलिए बापू को अंदर डाला गया है। और यहाँ जो कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो बापू को फंसाया है, सीधी सी बात है। आज सारी दुनिया जान रही है कि बापू 9 साल हो गए यहाँ पर जोधपुर जेल में है, एक दिन के लिए भी पेरोल तक नहीं दिया गया है। आखिर क्यों? बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, बड़े बड़े मर्डर देखो आज, इतने भी बड़े बड़े रोज रेप केस होते हैं, जब उनको मार दिया जाता है तो वहाँ पर पेरोल मिल जाती है, तो वहाँ पर जमानत मिल जाती है। लेकिन बापू का केस एक ऐसा केस है जिसे जमानत एक दिन की पेरोल तक नहीं दी जा रही है। तो इससे समझ में आता ना, पूरा पॉलिटिकल है, पूरा केस पॉलिटिकल है सब। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या, पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू यही जोधपुर की जेल के अंदर है, भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं। और भक्तों का यही कहना है कि नेता हो अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो बोले संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि पिछले 50 सालों से संत आसाराम जी बापू ने जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए भी एक मानवता के नाते उनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन उनको 9 साल में एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक की राहत नहीं मिल रही है। और भी भक्त बात करेंगे, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, मतलब कोई सच्चाई नहीं, हमें नहीं लगता कोई सच्चाई नहीं। सरकार से तो इतनी मांग कर रहे हैं, इतने लिख के दे दिए हैं, हर चीज़ में सब चीज़ कर दिए, लेकिन कुछ कोई सुनवाई नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी। लेकिन पक्का विश्वास है कि एक बार फिर संत आसाराम जी बापू भक्तों के बीच आए? हाँ वो तो आएंगे, वो किसी के पास वो तो वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कोई नहीं भी चाहेगा तो वो बापू बाबा बाहर आएंगे। क्या मांग करना चाहोगे? हम राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे बापू जी निर्दोष हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि आज हमारे देश को एक बहुत ज़रूरत है। आज पूरा विश्व एक विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है और उसमें हमें
एक ऐसे संत महापुरुष की जरूरत है, एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी की जरूरत है जिसके बिना हमारा देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है, भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि बिना आचार्य के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हमारा देश भारत विश्वगुरु बने। भारत के बहुत सारे हिंदूवादी संगठन वो भी चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे और भी बहुत सारे सनातन धर्म हैं, सभी का एक ही संकल्प है कि हमारा भारत विश्वगुरु हो। क्या मांग करना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका से यही कहेंगे कि निर्दोष हैं और सारे केस को अच्छे से देखे, फिर से देखे, जहाँ गलतियाँ हुई उन्हें सुधारें और फैसला दें। तो आपने देखा जोधपुर की जेल के बाहर, मतलब आज भी भक्त लोग आते हैं, मट्ठा टेकते हैं, मतलब तो भक्तों की श्रद्धा आज भी बापू के प्रति उतनी है। 9 साल हो गए संत आसाराम जी बापू, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं है, जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन नंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, जोधपुर जेल के बाहर से रफ्तार न्यूज़।